किसी रुख नहीं जा रहा, मैं यही बैठा हूं आपके सामने और बैठा रहूंगा। क्या कश्मीरी मुसलमानों ने सफर नहीं किया? क्या डॉक्टर गुरु को मारा नहीं? सुशील पंडित को सुनिए ना, पता लगेगा किसने सफर किया किसने नहीं किया। और क्या आज 370 का हटना बेहतरी के लिए है या खराब होने के लिए? सरदार नहीं मांगे। देखिए आपने कहा मुझे 30 सेकंड बोलने दो, मैंने एक मिनट बिना रोक टोक के आपको बोलने दिया, सुना पूरा। इफ्तिखार मिसकर आपने कहा 30 सेकंड बोलने दो, राजनीति कारण के तहत ही लोग भाग गए, अदरवाइज मुझे बताएं सिख क्यों नहीं भाग गए? सिख तो हमारे साथ बैठे, बौद्ध हमारे साथ बैठे, क्रिश्चियन हमारे साथ बैठे। इफ्तिखार जी कितने कितने बैठे हैं जरा गिन के आइए, उंगली पे बाहर जाइए, सामने से गिन के आइए उंगली पे कितने कितने हैं, उसके बाद बताइएगा मुझे। सुशील पंडित बोलिए, हमारा बीडीसी बीडीसी सरदार, सुन लीजिए दूसरे को भी। सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों को, सलमान निजामी जी को, इफ्तिखार मिसगर जी को भी सुन रहा था। देखिए हमारी इस हिंदू समुदाय की जो कश्मीर घाटी से निष्कासित किया गया हिंसक एक पूरे अभियान चलाकर, उसकी यही त्रासदी है, हम दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ है जिहाद, जिसकी पैरवी करने वाले ये दो शख्स आज आपके पैनल में हैं, और दूसरी तरफ है उसी जिहाद से आंखें चुराने वाले, उस पर लीपापोती करने वाले, उनका दिल जीतने के लिए दोहरे हुए जाने वाले लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थी। तो इन दो पाटन के बीच में हम पिस रहे हैं, फंस रहे हैं, क्योंकि हमारे बूते किसी को सत्ता दिलाना या किसी को चुनाव में हराना नहीं है, क्योंकि हमने बंदूक नहीं उठाई। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी कह लीजिए, हमसे पाप कर लीजिए कह दीजिए, हमसे गलती हो गई है कह लीजिए, कुछ भी इसको नाम दें, लेकिन हमारा इशू बन जाता है, हमारा मुद्दा बन जाता है चुनाव। हम बहस में आ जाते हैं कि कहीं पर सिखों का कत्लेआम हो, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो, तो वो एक काउंटर वेट बन जाता है किसी को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने और किसी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट छीनने का। लेकिन धरातल पर उसके लिए कोई काम हो, कोई नीति बने, कोई प्रस्ताव बने, अभी तक इस सरकार के पास हमको लौटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुशील जी एक विज्ञापन देख रहा हूं हमारे खिलाफ, एक विज्ञापन देख रहा हूं मैं। सुशील जी थोड़ा रोक रहा हूं आपको यह बताते हुए कि ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक विज्ञापन देख रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलती सरकार, कश्मीरी पंडित का संरक्षण, राहत कार्डधारी 40,000 कश्मीरी पंडित परिवार को हर महीने 13,000, 221,00,000 परिवारों को पीएम जय के तहत मुफ्त इलाज, और 2022 तक 5,000 नौकरियां और 10,000 स्वरोजगार के अवसर। क्या वाकई ये जमीन पर है या केवल विज्ञापन में पूछ